Hey, hello friend, मैं हूँ स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एच डी ग्लोबल बायोटेक। सो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये है बायोफ्लॉक वाटर प्रिपरेशन। ठीक है, तो बायोफ्लॉक कल्चर करने से पहले वाटर का प्रिपरेशन कैसे करें साइंटिफिक वे में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 3 टैंक पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मैंने वाटर प्रिपरेशन किया। हो सकता है कि इसका जो वाटर प्रिपरेशन का जो तरीका है आपको जनरली सबके साथ मैच नहीं होगा, या होगा भी थोड़ा बहुत मैच होगा। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीटली निजी राय है, मैंने इस पे काम किया और मुझे जो सही लगा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट जो है, आपको तो पता ही है, टैंक को आपको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, टैंक को क्लीन करना है मतलब जनरली आप पोटेशियम परमंगनेट जो एंटी फंगल एजेंट होता है, सोल्यूशन होता है, उससे थोड़ा पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा, ठीक है, उस आपको टैंक को थोड़ा क्लीन कर लो। ठीक है, ये हो जाने के बाद उसको फ्रेश एकदम नीट क्लीन वाटर से उसको धो डालो। उसके बाद उसको आप ड्राई कर लो। ठीक है, एक दिन रख लो ड्राई करके, उसके बाद आपके जो टैंक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं वाटर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये जब आपको हो जाएगा, नेक्स्ट क्या करना है, डेफिनेटली आपने कहीं से पानी मंगवाया है या आपको पानी आपने निकाल के रखे हुए हो। ठीक है, तो नाउ क्या होगा कि आपको वाटर के जो क्वालिटी है, ठीक है, उसका पैरामीटर चेक करना पड़ेगा। आपको कंपलसरी पैथोजन चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप कमर्शियली फार्मिंग के लिए जा रहे हो, आप करोड़ों रुपया लगा रहे हो, आपके पास बहुत सारे टैंक है, तो आपको पैथोजन देखना है उस पर। जनरली अगर आप वाटर सैंपल भेजते हो तो विब्रियो स्पेसिस अगर है, ईकोलाई के स्पेसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, निमाटोड प्रोटोजोआ है, जो निमाटोड प्रोटोजोआ है ना, आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा। अगर ये सब है तो आपके बैक्टीरिया को, ये बायोफ्लॉक को ये खा जाएगा। ठीक है, मैं स्पेशली जो बैक्टीरिया होता है फ्लॉक में, ठीक है, ये प्रोटोजोआ खा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम ना रहे। एक आधा टैंक है तो आप ऐसे भी आप करोगे, आप ज़्यादा ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, बट जो कमर्शियली कर रहा है उनको ये करना है। उसके बाद आपको सैलिनिटी चेक करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिनिटी आपको चेक करना है, सैलिनिटी रिफ्रेक्टोमीटर या कोई भी आप डिजिटल सैलिनोमीटर ले लो, बट आपको सैलिनिटी चेक करना है। हर मछली के लिए या हर ग्रुप ऑफ मछली के लिए आपको डिफरेंट सैलिनिटी चाहिए। हर सैलिनिटी हर मछली के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आप चेक करो और अपना सैलिनिटी लिख लो। ठीक है, और आपको कौन से मछली करना है वो मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तीसरी बात है कि आप अपना TDS चेक करो। ठीक है, अपना TDS चेक करो, TDS मीटर से। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट, एक बार TDS सिर्फ क्यों चेक करना है, आपको सिर्फ देखना है इसका पैरामीटर। अगर 300 से ऊपर है तो एक्सेलेंट वाटर होता है, 300 से 600 मिलता है तो गुड वाटर क्वालिटी होता है, 600 से 900 मिलता है तो फेयर होता है, 900 से 1200 होता है तो बहुत गंदा वाटर पोर होता है, 1200 से ऊपर जाए तो बहुत ही घटिया क्वालिटी माना जाता है वाटर का। ठीक है, TDS का मतलब क्या होता है कि उसमें सॉल्ट भी रहेगा, सॉल्ट के साथ डिजॉल्व और भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा। सिर्फ TDS चेक करके आप बता नहीं पाओगे कि उसमें कितना सॉल्ट है, इसलिए आप सैलिनिटी चेक कर रहे हो। एक बार TDS मापने के बाद अगर आप, जब आपको पता चल गया कि आपके जो वाटर है ये अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है, 900 के अंदर है, तो उसके बाद ये TDS मीटर का कोई काम नहीं है बायोप्लग में, इसको बंद करके रख दो। ठीक है, सिर्फ कितना कचरा है वो माप देखने के लिए TDS मीटर का काम आएगा, बाकी टेक्निकली बाकी चीज़ों में कुछ काम में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, pH आपको मॉनिटर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर सपोज आपको दो क्राइटेरिया में काम करना है, पहले जो स्टेप होता है आपको बायोफ्लॉक डेवलप करना है, उसके बाद दूसरे क्राइटेरिया होता है कि आपको जो पानी है वो मछली को रखने के लिए उसके हिसाब से तैयार करना है। बायोफ्लॉक डेवलप करने के टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपका पीएच न्यूट्रल के आसपास है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट तभी ऐड करना है अगर आपके पीएच फॉल हो रहा है, एसिडिक पे आ रहा है, 7 से घिसक के नीचे टाइप से आ रहा है, उसी कंडीशन में आपको पीएच रखना है। इसलिए आपको एक दिन कम से कम हर दो दो तीन तीन घंटे या दो दिन आपको पीएच भी मॉनिटर करना है। ठीक है, ये सब चीज़ आपने जब कर लिया, आपके पास एक डेटा रेडी हो गया, उसके बाद वो जो पानी है आप अपना जो क्लीन वाला टैंक है उसमें अपने ढाल दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होता है कि आपको एरिएशन देना पड़ता है। ठीक है, एरिएशन देना पड़ेगा 48 आवर्स। एरिएशन मतलब
आप सिर्फ एरिएशन दे रहे हो और आपको पता नहीं है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, फिर से गलती हो जाएगा। ठीक है, आप डिजॉल्व ऑक्सीजन किट ले लो या डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर ले लो। ठीक है, आपके पास जो भी है आप डीओ मीटर ले लो। तो उसमें क्या है कि डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है ये 5 से 6 के आसपास रहना है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में 4 से नीचे नहीं रहना है, किसी भी कंडीशन से 8 से ऊपर नहीं जाना है। तो 4 से नीचे भी मछली के लिए प्रॉब्लम है, 8 से ऊपर गया था तो मछली को स्ट्रेस होना चालू होता है। ठीक है, और अगर आप एरिएशन चालू रहते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो केमिकल होता है, जो हिडन केमिकल, वो भी पानी से निकल जाता है, तो आपके मछली के लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आई फ्रॉग। तो नाउ तीसरा कंडीशन, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड तभी करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पीएच बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके फ्लॉक बनाने से पहले। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक प्रोबायोटिक ऐड नहीं किया हो। अगर आपके उस कंडीशन में आपके पीएच ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बाद में ऐड करना है। ठीक है, प्रोबायोटिक ऐड करने के बाद, फ्लॉक बनने के बाद। मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ इस कंडीशन में कि आपके जो पीएच है वो फॉल हो रहा है टूवर्ड्स एसिडिक, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट ही ऐड करना है, चूना नहीं ऐड करना, सीएओ ऐड नहीं करना, CaCO3 ही ऐड करना है। CaCO3 ऐड करने का जो पर्पस होता है ना, ये एक यूनिक बफर एजेंट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, आप अगर देखते हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट डजन रिएक्ट विथ प्योर वाटर। अगर आपका पानी एकदम प्योर है, ठीक है, ये आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो, मिक्स हो जाएगा, मतलब डिजॉल्व नहीं हो जा होगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब आपका पानी प्योर का प्योर ही रहेगा। ये सिर्फ क्या होता है, जब भी आपके वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है, कब जनरली बढ़ता है, जब आप मछली छोड़ते हो रात को, मछली सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नहीं तो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। पहले कंडीशन में अभी तो मछली आपने छोड़ा नहीं, आपने प्रोबायोटिक नहीं दिया, तो भी आपके पीएच थोड़ा कम के साइड में है, तो मतलब ये एयर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ रहा है, नहीं तो पानी थोड़ा एसिडिक ही है। इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड आपको देना, कैल्शियम कार्बोनेट आपको देना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है ना, ये अगर आपके पानी कार्बोनिक हुआ, एसिडिक हुआ, ठीक है, तो ये उतना सा कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ उसमें आके रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर रिएक्शन करने के बाद जब आपके पानी परफेक्ट होकर न्यूट्रल के पास आता है, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, उसी कंडीशन में नीचे रहता है। फिर से कोई कंडीशन में थोड़ा सा फिर एसिडिक हो गया, फिर से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको रिएक्शन करके फिर उसको न्यूट्रल कर दिया है। बहुत अच्छा बफरिंग एजेंट करता है। ऐसे नहीं कि आप जितना कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करो सब डिजॉल्व होकर आपके पीएच को ऊपर कर देता है, नहीं, ये प्योर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कैल्शियम कार्बोनेट ओनली एसिडिक वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है, इसमें क्लियरली दिया हुआ है, आप देख लो। तो नाउ आप कितना कैल्शियम कार्बोनेट देने वाले हो, आपको 0.05 ग्राम पर लीटर। 1000 लीटर है तो 500 ग्राम, 500 लीटर है तो 250 ग्राम, 10,000 लीटर है तो 500 ग्राम। ठीक है, ये देने के बाद आपका एरिएशन कंटिन्यू पे चलेगा। ठीक है, नाउ आपने कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, पीएच फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो पीएच फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देना है उस टाइम। ठीक है, नाउ आपको डायरेक्टली आ जाना है मोलासेस एंड प्रोबायोटिक ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट इवनिंग स्लॉट में आप देख लो, शाम के टाइम में। ठीक है, और आपको जब कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना होता है ना, वो रात को करना होता है। ठीक है, रात को जनरली वो एसिडिक कंडीशन पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट डे का इवनिंग स्लॉट पे आपको मोलासेस या प्रोबायोटिक ऐड करना होगा। नाउ आपको मोलासेस या जेगरी 0.1 ग्राम पर लीटर ऐड करना है, और प्रोबायोटिक कितना लेना है 0.04 ग्राम पर लीटर। बट मेक श्योर आप जो प्रोबायोटिक यूज कर रहे हो वो कम से कम 100 बिलियन CFU हो, 10 बिलियन CFU नहीं लेना है, वो आपको चूना लगा रहा है। ठीक है, आपको 100 बिलियन CFU ही खरीद के लेना है, जो जिसपे जो बैक्टीरिया जो स्पोर्स होता है उसके जो तादाद होता है बहुत ज़्यादा होता है। नाउ अगर आप देखते हो ना, आपको जैगरी कितना देना है, आपको प्रोबायोटिक कितना देना है, 1000 लीटर में 100 ग्राम। ठीक है, 5000 लीटर में 500 ग्राम जैगरी, 10,000 लीटर में 1 kg। ठीक है, प्रोबायोटिक कितना है, 1000 लीटर में 40 ग्राम,
5000 लीटर में 200 ग्राम, 10000 लीटर में 400 ग्राम, ठीक है। ये देने के बाद ये अगर जब मिक्स करते हो, आपको मेक श्योर करना टेम्परेचर बराबर हो जो बैक्टीरिया दे रहे हो। अगर आप बैक्टीरिया बैसिलस सबक्लिस दे रहे हो, उसका ऑप्टिमम बैक्टीरिया टेम्परेचर होना है, ठीक है, 22-24 से लेकर 30 के बीच में कम से कम रहना है। पीएच उसको मेंटेन करना है, इसको जितना पीएच चाहिए, ठीक है। 7 के आसपास थोड़ा नीचे भी आता है, 6.5 एंड ऑल चल जाएगा। अगर उसको ऑप्टिमम पीएच नहीं रहा तो उसको एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर पीएच बहुत अच्छे से मेंटेन करना है और आपको एरिएशन देना है। मैंने नमक ऐड नहीं करवाया था, ठीक है। क्यों मैंने नमक ऐड नहीं करवाया था मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए नमक से कोई संबंध नहीं है, मछली को ग्रो करने के लिए संबंध इसके बाद में नमक ऐड करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैंने अभी नमक ऐड करवा देता इससे पहले तो क्या प्रॉब्लम होता मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इस पर नमक ऐड नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं नमक ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो 2-3 जर्नल नमक जो होता है ना, ये बैसिला सबटिलिस, ठीक है, उसको जो स्पोर जर्मिनेशन होता है ना, स्पोर से जो बैक्टीरिया बनता है वो उसको प्रोसेस को स्लो करता है, कभी कभी रिटार्ट करता है, ठीक है, कभी कभी वो प्रोसेस होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट लाइकली इनहेबिटेड बाय NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद ये भी दूसरे जर्नल में क्लियरली बताया, जो जर्मिनेशन रिसेप्टर जो होता है GRS, जो स्पोर्ट्स पे जहाँ पे सपोज आपके पास बीज है उस पे जहाँ पे रूट निकलता है, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पे स्पोर्ट्स से जहाँ पे बैक्टीरिया जो यहाँ पे निकलता है वो वाला एरिया को GRS एरिया को वो इफेक्ट करता है डिफरेंटली बाय NaCl। तो जिस जो बहुत ज़्यादा आप सॉल्ट देते हो ना तो बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करना, स्पोर्ट्स से बैक्टीरिया निकलने ही नहीं देता है। तो इसलिए कभी भी जो भी फ्लॉग होता है वो बनने के बाद ही आपको सॉल्ट ऐड करना होता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। दोस्तों नाउ क्या हुआ आपका, मोलासेस प्रोबायोटिक एक साथ, ठीक है, जिस पानी पे कोई कल्चर करना उधर से एक बकेट पे ले लो, जो मैंने क्वांटिटी बोला दोनों को एक साथ मिक्स करो, ठीक है, फिर उसको आप छिड़का दो पानी के ऊपर, ठीक है। ये छिड़काने के बाद आपको 3 से लेकर 7 दिन एरिएशन देना है, ठीक है, और आप देखोगे आपको फ्लॉक झटाझट हो जाएगा, ठीक है, और आपको मैक्सिमम सक्सेस मिलेगा बैक्टीरिया डेवलप करने में, फ्लॉक डेवलप करने में, क्योंकि उसमें नमक नहीं रहेगा। नमक मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सारे बैक्टीरिया को मार डालता है नमक, ठीक है, नमक वापस सारे बैक्टीरिया को नहीं मारता, थोड़ा इफेक्ट करता है, बट उसका जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स से जो जर्मिनेशन होता है उस टाइम नमक बहुत ज्यादा खतरा पैदा करता है। एक बार बैक्टीरिया बन गया, एकदम वो तादाद बन गया, एकदम झुंड, एकदम बड़ा हो गया, स्ट्रांग हो गया बैक्टीरिया, तो नमक बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। दोस्तों नाउ अभी दो कंडीशन है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने ऐड कर दिया पहले ही, एज्यूम किया कि आपके पानी पीएच एसिडिक हो रहा है, अगर आप नहीं होता ना तो आपको बाद में ऐड करना पड़ता, अभी आपको इस टाइम पे फ्लॉक डेवलप होने के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ता, उसके बाद आपको मैं सॉल्ट ऐड करने बोलता, ठीक है। ये आपका अगर एसिड के आपका अगर पीएच अगर फॉल हो रहा है तब फिर आपको फ्लॉक भोन होने से होने से पहले आपको ऐड करना था, तो ये आप डिसाइड कर लो आपके पीएच के ऊपर। नाउ अभी सॉल्ट का क्या रोल है, ठीक है, सॉल्ट को आपने को बायो फ्लॉक बनने के बाद ही, बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद ही आपको सॉल्ट ऐड करना है। नाउ हर मछली का, ठीक है, सॉल्ट सैलिनिटी का दो पैरामीटर होता है, एक होता है ऑप्टिमम सैलिनिटी जिसपे मछली पसंद करता है, जैसे आप कॉमन कार्प पकड़ लो उसका ऑप्टिमम सैलिनिटी है, ठीक है, दो 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 पर्टिकुलर ऑथर से मुझे मिला है, ठीक है, ये थोड़ा 19-20 वैरी करता है। पहले ऑथर ने क्या बोला था, 0.5 से लेकर 4.5 ये इसका ऑप्टिमम, जो उसके लिए बहुत मछली प्यार से रहता है, और उसके ऊपर अगर जाता है तो भी मछली सहन कर लेता है, बट 10, 10.5 से ऊपर गया ना तो मछली जनरली मर जाता है, उसकी एक स्टडी में पाया गया था। दूसरे में भी सेम टाइप का बोला था, 0.5 से लेके 2.5 तक उनका ऑप्टिमम होता है, ठीक है, कॉमन कर्व के लिए। 8.5 के ऊपर जाता है ना तो मछली स्ट्रेस पे आता है और मछली को बहुत नुकसान होता है। नाउ अगर आपने जब सैलिनिटी पहले ही टेस्ट किया था, ठीक है, और अगर आपको सैलिनिटी आपको पहले ही मिल गया था प्रॉपरली, हाँ मिल गया था कि ये 4.55 या 6, ठीक है, अगर आपके पास आ चुका है 6 के ऊपर है, ठीक है, तो आपको सॉल्ट
ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पानी पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऑलरेडी है। दूसरे टाइप के मछली के लिए कौन सा उसका ऑप्टिमम सैलिनिटी होता है, उसके ऊपर के रेंज पे आप रखो, क्योंकि थोड़ा ऊपर के रेंज पर सॉल्ट रखते हो ना, तो ये जब अगर आपके पानी पे नाइट्राइट बढ़ जाएगा तो अभी सॉल्ट ये आपको आपके मछली को बचाएगा, ठीक है, ब्लड ब्राउन डिजीज से बचाएगा। तो आपको जो नाइट्राइट होता है, ठीक है, मछली के गिल के अंदर से उसके मछली के बॉडी पे अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है, उसको हीमोग्लोबिन को, मछली के हीमोग्लोबिन को अटैक नहीं करने देता। तो सैलेंट तो सॉल्ट के थोड़ा ऊपर लेवल के कंसंट्रेशन रखो, ऐसे नहीं कि आप इतना ज्यादा सॉल्ट ऐड कर दो कि उसका टॉलरेबल लिमिट जो है वही खत्म हो जाए और सॉल्ट के चक्कर में आपके मछली मर गया और आपको पता भी नहीं चलेगा मछली की उम्र, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये आपके बैक्टीरिया को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा करा सैलिनिटी, बहुत ज्यादा नमक नहीं देना है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, आपके मछली का ऑप्टिमम सैलिनिटी देखो, उसके जो अप रेंज का जो ऑप्टिमम सैलिनिटी होता है, जैसे कॉमन कार्प को मैं पकड़ के चल रहा हूँ, कॉमन कार्प आपको छोड़ना है ना, ठीक है, 4.5 4 5 के आसपास है ना सैलिनिटी, और आप नमक ऐड मत करो, ठीक है। अगर आपके प्रॉब्लम सैलिनिटी बहुत कम है, 0.5 है, 1 है, तो आपको थोड़ा ऐड करके थोड़ा ज्यादा लेके आओ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है पानी में, तो मछली को नमक चाहिए होता है, नाइट्रेट से बचाने के लिए भी चाहिए होता है, बट उसके जो थ्रेशोल्ड जो लेवल होता है, ठीक है, मछली का, उसको क्रॉस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, थ्रेशोल्ड लेवल को किसी भी कंडीशन में क्रॉस नहीं करना है। तो मैं इसको सेफली 8.5 पकड़ता हूँ, 7 के ऊपर लेके ही नहीं जाना है सैलिनिटी, ऐसे पकड़ लो, ठीक है, 5 6 7, क्योंकि इसको 4.5 बता रहा है टॉलरेबल, ये बता रहा है 2.5 ऑप्टिमम, इसको टॉलरेबल बोल रहा है 8.5, मतलब 8.5 के ऊपर गया तब का मछली का हाल खराब है। तो आप एस्टिमेट ऐसे 4 5 के आसपास ही रखो, उसके बाद आपका एरिएशन कंटिन्यूएशन पे चल रहा है, ठीक है, और आपने कैल्शियम कार्बोनेट पहले ही आपने ऐड कर दिया है, नहीं तो आपको फ्लॉक बनने के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करना था, उसके बाद आपको रॉ सॉल्ट ऐड करना था, उसके बाद आप एरिएशन कंटिन्यू रखो फिर से 24 घंटा, ठीक है। उसके बाद आप मछली का सीट का स्टॉकिंग करो, ठीक है, उसका तो सैनिटेशन करवा के उसका स्टॉकिंग करो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, और इसमें सैलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया है, अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेरी लिखो, मैं उसको सॉल्व करूंगा फॉर श्योर, ठीक है। और बहुत जल्दी बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है, अगर आपको मोस्ट साइंटिफिक ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।